हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। ओपन ऑफिस को लेकर के ये पहली वीडियो कैल्क को लेकर के बना रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी और टोटल लिख रखा है, तो फॉर्मूला जो ऐसे ही आपको लगाना है। देखिए ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है, यहाँ पर स्काई ब्लू कर दिया इसको। तो अगर आप इसको सेलेक्शन में लेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में दिखता है, ये आपको साइड में नहीं दिखेगा तो यहाँ पर दिखेगा बैकग्राउंड। तो यहाँ से आप कलर वगैरह बदल सकते हैं चाहे तो जो भी कलर आपको लगाने का मन हो वो लगा लीजिए। लाइक यहाँ से ये कर देता हूँ ये कलर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कलर अप्लाई हो गया इस पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, तो ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड, फिर एंटर करके नीचे आऊंगा माउस लिखूंगा। इसी तरह से और भी कुछ नेम एंटर करवा लूंगा प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल, ओके। यहाँ पर लिख दिया डेस्कटॉप, ओके। यहाँ पर लिख दिया लैपटॉप, यहाँ पे लिख दिया पाम टॉप, ओके। तो ये हो गया। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे प्राइस देना है हमको, तो प्राइस देना है तो जैसे आप देते हैं आमतौर पे वैसे ही दीजिए, 220 यहाँ पे दे दिया प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आए माउस की प्राइस दे देंगे 120, यहाँ पर आए मोबाइल की प्राइस दे देंगे 6,700 रुपए, ओके। फिर यहाँ पर आएंगे तो डेस्कटॉप की प्राइस दे देंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40,000 रुपए। तो ये हो गया डेस्कटॉप आपका, एंटरप्रेस करता हूँ लैपटॉप की प्राइस दे देता हूँ 45,000 रुपए, ओके। एंटरप्रेस करता हूँ पाम टॉप की प्राइस दे देता हूँ 13,000 रुपए, ओके। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी जैसे मान लीजिए कुछ भी रख दीजिए, 6, 5, 4 कुछ भी, ठीक है। तो ये रखते हुए चले जाइए और जहां तक हमने प्रोडक्ट नेम लिखा है वहां तक क्वांटिटी भी दे देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल करना है, तो जैसे आप एक्सेल में टोटल करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे लिखा सम, और आपको शिफ्ट प्रेस करके अल्फाबेटिक बटन अल्फा न्यूमेरिक की 9 प्रेस करना है, ठीक है। नहीं तो ये ब्रैकेट टैब प्रेस करने से नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगेगा क्या, जरा आप सोचिए। यहाँ पर तो सम का फॉर्मूला लगेगा नहीं, लेकिन एक तरीका बताया मैंने कि फॉर्मूला यूज करना है तो कैसे यूज करना। तो इज इक्वल टू लगा करके इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इंटू का साइन लगाइए, और बस इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, हो गया काम आपका। अब ये हो गया, तो यहाँ पर आपको एक चौकोर सा बटन दिखेगा, इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ से आप ड्रैग करवाइए, चौकोर सा बटन आपको दिखेगा, यहीं से आप खींच दीजिए इसको, ये आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। अब अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आपको दिखेगा, ये देखिए, यहाँ से पकड़िए इसको और इस पूरे को सिलेक्शन में लेकर के, अब देखिए बॉर्डर आपको नीचे मिलेगा, ये देखिए सेल बॉर्डर दिख रहा है। तो यहाँ से जाकर के अगर आप चारों तरफ बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए इस पर टैक्स अप्लाई करना है, तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ टैक्स, ठीक है। ये देखिए ये लिखा मैंने टैक्स, और टैक्स यहाँ पे कितना परसेंट अप्लाई होगा इन सारे प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं लाइक 10%। तो यहाँ पे 10 और परसेंट दोनों लिखा मैंने, 10% लिख दिया। तो ये देख सकते हैं ये टैक्स है, तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट पता करना है आपको, टैक्स अमाउंट AMOUNT, तो ये टैक्स अमाउंट लिख दिया हमने, ठीक है। और टैक्स अमाउंट लिखने के बाद क्या करना है, ये बिल्कुल लिब्रा कैल्क के जैसे ही है, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान लगाया, इसको सिलेक्शन में लीजिए और इनटू, और ये जो टैक्स अमाउंट है इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, बस एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया आपका। अब इसको नीचे ड्रैग करवा दीजिए सिंपली कुछ इस तरीके से, यहाँ पर रख के ये देखिए यहाँ से आप ड्रैग करवाएंगे तो ये देखिए जीरो आ जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट एक्सेल में भी मैंने बताया था, यहां पर आपको रखना है क्योंकि यहां पे चेंज हो जा रहा है, सेल एड्रेस चेंज हो जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो ये देखिए यहां पे दिख रहा है, यहां पे क्या है, यहां पे G4 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। G4 यानी कि इसकी बात की जा रही है, इसको मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं, आपको साफ साफ दिखता भी रहेगा। ये लाइक यहां से जाकर के ये देखिए तो यहां पे देखिए यही G4 है, ठीक है। अब G4 यहां पर तो G4 समझ में आता है, यहां पर मैं फिर आपको दिखाता हूं, ये देखिए G4 तो समझ में आता है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो ये G4 क्या हो जाता है, ये G4 G5 हो जाता है, और G5 यहां पर है, G5 में तो कुछ रखा नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आपका जीरो वहां पे आ जा रहा है, और किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वही सेल एड्रेस जो मैंने आपको बताया था एक्सेल में, गूगल शीट में, हर जगह बताया था। तो आपको यहां पर 4 को फिक्स करना है, क्योंकि 4 ही तो चेंज हो रहा है, जी तो जी ही रह रहा है लेकिन 4 चेंज हो रहा है, तो आपको यहां पर डॉलर लगा देना है। डॉलर लगा दीजिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अब जबकि आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ गया। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।